गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी, बी कंटिन्यू, 9 चैप्टर चल रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। 5th क्वेश्चन तक हमने आपको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया है। आज चल रहा है हमारे पास 6th क्वेश्चन, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नीचे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ गिवन है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ क्या पूछ रहा हमारे पास, एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डे, और उसी डेट की बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। दैट्स क्लियर, ध्यान देना क्या क्या बैलेंस हमारे पास। बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है 8500, करंट ईयर का है 2,30,000 और नेक्स्ट ईयर का है 2,500। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लेजीजीएस, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एट द बुक वैल्यू, गवर्नमेंट ग्रांट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है। दैट्स क्लियर। अब पेमेंट साइड देख लेते हैं कि पेमेंट में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना समझने कोशिश करना। पेमेंट में सैलरी एंड वेजेज है, 10% इन्वेस्टमेंट है 1,13,000, इसकी फेस वैल्यू है हमारे पास 1,50,000, परचेज किया हमने 1 अक्टूबर 2016 में। क्लियर, 1 अक्टूबर 2016 में परचेज किया है और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016, तो जितने टाइम तक का रहेगा परचेज किया उतने टाइम तक का यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर दिया जाएगा। जस्ट क्लियर। फेट एक्सपेंस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, एंटरटेनमेंट मटेरियल, एडवांस फॉर बिल्डिंग के लिए, और इंटरनेट चार्ज हो गया, ऑनोरेरियम और बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स क्लियर। ये तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को एक्सप्लेन कर लिया, पढ़ लिया है। अब साथ के साथ हम पढ़ते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उनको हम यहाँ राइट करते हैं, और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2016 यानी ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, द सोसाइटी हैज फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी, तो यहाँ पे इससे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी जिससे हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। 10% इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का, फेस वैल्यू है 1,17,000, तो ये असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। फर्नीचर है 80,000 का, असेट्स में राइट हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 13,000 का, असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। मशीनरी है 60,000 की, ये भी असेट्स में राइट हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन इन एरर 17,000 का, ये भी असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। क्रेडिटर फॉर इंटरटेनमेंट मटेरियल यानी क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये असेट्स में हो जाएगा, लाइबिलिटी में हो जाएगी, सॉरी भाई एडवांस आ गया ना, सब्सक्रिप्शन 2,000, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। एंड बिल्डिंग फंड 50,000, ये भी लाइबिलिटी में हो जाएगा। तो क्या कहा था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चार्ज डेप्रेशन 20% ऑन फर्नीचर एंड मशीन, फर्नीचर एंड मशीन पे डेप्रेशन चार्ज किया जाएगा 20%, जो एक्सपेंस में राइट है किया जाएगा। थर्ड है, ऑन 31 मार्च 2017 इंटरटेनमेंट मटेरियल की वैल्यू थी 28,000, कब थी, क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर में आता है तो वहाँ इसको लेस कर दिया जाएगा। इंटरनेट चार्ज है, जो इंटरेस्ट चार्ज बता रहा है इंटरनेट चार्ज है, ये चार्ज है आउटस्टैंडिंग है 1,500, ये इंटरनेट चार्ज में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी में हमारे शो कर दिया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ईच ईयर सब्सक्रिप्शन पेड 100 मेंबर हैं और पेइंग कर रहे हैं कितना, 2,400, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2,40,000 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए करंट ईयर का, बट करंट ईयर का देखो सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है 2,30,000, तो 10,000 एरर है, तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या दे रहा है, पेमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट मटेरियल, तो इंटरटेनमेंट मटेरियल का जो पेमेंट था ना इसमें इंक्लूड है 200 फॉर प्रीवियस ईयर, 2,000 रुपये प्रीवियस ईयर के
इंक्लूड है, यानी ये कौन सा बैलेंस हो गया हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ध्यान देना, क्लियर। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके ही हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करेंगे और साथ के साथ जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2017, क्लियर। ये हमारे पास इसका हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वन साइड डेबिट हो जाएगी और जो सेकंड साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, ध्यान देना। एक साइड डेबिट तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट, क्लियर। एक साइड डेबिट हो गई और एक साइड क्रेडिट हो गई, तो ये लगभग लगभग एक पैसे मोर देन साइज में या एक पैसे ज़्यादा साइज में हम इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे जो पेज की बात करते हैं, दूसरा जो अकाउंट बनाएंगे हम वो बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी इसकी ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट यहाँ पे मेंशन की जाएगी, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे क्लियर की जाएगी, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एक साइड हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, अमाउंट एक साइड हो जाएगा हमारे पास असेट्स एंड अमाउंट, क्लियर। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, जो हमारे पास एडजस्टमेंट दिए हुए थे, जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन्हीं एडजस्टमेंट को हम पढ़ते हुए करेंगे, ध्यान देना। 31 मार्च 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 की बात हो रही है, 10% इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का, तो इसको असेट्स में राइट कर दिया जाएगा, यहाँ पे असेट्स में राइट कर दिया जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,20,000, ध्यान देना। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1,70,000, तो ये आ गई, इसकी ब्रैकेट में डाल देंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट जो फेस वैल्यू पे चार्ज होता है, फेस वैल्यू हो गई इसकी 1,70,000, क्लियर। आगे बात करते हैं हम, फर्नीचर है हमारे पास 80,000 का, असेट्स में राइट कर दिया जाएगा फर्नीचर 80,000, जो हमारे पास असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से देखना क्या दे रखा है हमारे पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और वो दे रखा है कितना, 13,000, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी राइट कर दिया जाएगा सेट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 13,000, क्लियर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हमने 13,000 को राइट कर दिया है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान देना, मशीनरी 60,000, तो मशीन को भी असेट्स में राइट कर दिया जाएगा, मशीन, ध्यान देना, मशीन, मशीनरी 60,000, क्लियर। फिर बात करते हैं हम, हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरर 17,000, ये है तो ये भी असेट्स में आ जाएगा,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। क्लियर, इसको भी एसेट्स में राइट कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं क्रेडिटर फॉर एंटरटेनमेंट मटेरियल 5,000, ये लायबिलिटी है तो इसको लायबिलिटी में मेंशन कर दिया जाएगा, क्रेडिटर फॉर एंटरटेनमेंट फाइव थाउजेंड। कंप्लीट, आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, एडवांस है यहाँ पे तो ये भी क्या है हमारी लाइबिलिटीज है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में राइट कर दिया जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। क्लियर, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, आई क्या दे रखा हमारे पास, एंड बिल्डिंग फंड कितना है 50,000, बिल्डिंग फंड हमारे पास यहाँ पे 50,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 50,000। दैट्स क्लियर, बिल्डिंग फंड को भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब इसके बाद देखना क्या है, ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी बैलेंस शीट कर रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है तब उसके बाद में यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैश का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग कैश का बैलेंस 20,000, तो इसको भी यहाँ पे राइट किया जाएगा, कैश में आ गया हमारे पास यहाँ पे कैश 20,000। क्लियर, ये कैश में आ गया हमारे पास 20,000। आप रिवाइज करें एक बार कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की है, क्रेडिटर फॉर मटेरियल एंटरटेनमेंट मटेरियल का लिखा, एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन लिखा, बिल्डिंग फंड को राइट कर दिया लायबिलिटी साइड में, असेट साइड में राइट किया हमने 10% इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड कैश। दैट्स क्लियर, अब इसके बाद में ध्यान से देखना, समझते जाना, अब इसके बाद में क्या है हमारे पास कि जो दे रखा था हमारे पास किसको राइट किया हमने, जो हमारे पास एडजस्टमेंट थे, फर्स्ट जो पॉइंट था एडजस्टमेंट उसको हमने राइट कर लिया है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड था। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट होगा कैपिटल फंड, क्या फाइंड आउट होगा हमारे पास, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड फाइंड आउट होगा बैलेंसिंग फिगर, और जितना कैपिटल फंड फाइंड आउट होगा उस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जब इसका ध्यान देना, आप टोटल करने की कोशिश करो, असेट्स का टोटल करो और लायबिलिटी का टोटल करके जो डिफरेंट निकलेगा उसको कैपिटल फंड में राइट किया जाएगा, तो लगभग टोटल आ रहा है इसका 3,10,000। दैट्स क्लियर, 3,10,000, और 50,000 और 57,000 को जब इसमें माइनस किया तो 2,53,000, 2,53,000 हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल फंड आ गया। दैट्स क्लियर, अब ध्यान देना ये कैपिटल जो फंड आया है अब यहाँ पे मेंशन की जाएगी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान देना क्लोजिंग बैलेंस शीट मेंशन की जाएगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, वो बैलेंस शीट थी 1 अप्रैल 2016 की, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग डेट को प्रिपेयर की जाएगी, ये है ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट की थी वो ओपनिंग डेट की थी, लायबिलिटी अमाउंट और एक साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब असेट्स अमाउंट। क्लियर, तो सबसे पहले हम यहाँ राइट कर देंगे कैपिटल फंड 2,00,000, जो कैपिटल फंड आया था हमारे पास 2,53,000, 2,53,000। लेट्स क्लियर, अब बात करते हैं हम जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान देना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उनको हम राइट करते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब ध्यान देना दूसरा पॉइंट देखो, चार्ज डेप्रेशन, डेप्रेशन को क्या किया जाएगा,
चार्ज किया जाएगा, यहाँ पे डिप्रेशन को चार्ज करने की बात हो रही है कि डिप्रेशन को चार्ज किया जाएगा। अब डिप्रेशन को चार्ज किया 20%, 20% है ऑन फर्नीचर, तो इसको डालो आप इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में, राइट करो इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में, राइट करो यहाँ पे टू डिप्रेशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रेशन ऑन फर्नीचर। तो ध्यान देना फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो आप, ध्यान देना फर्नीचर पे डेप्रेशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है 80,000 का। थोड़ा गौर से देखना, केयरफुली देखना, यहाँ पे वॉच करना ढंग से, 80,000 का फर्नीचर है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे या तो देखो पेमेंट साइड देखो फर्नीचर को, या रिसिप्ट साइड देखो, पेमेंट साइड यानी परचेज होगा फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर शो नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे दे रखा हमारे पास रिसिप्ट साइड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6,000, क्लियर। तो इसको मतलब ये बुक वैल्यू पे सेल कर दिया है, तो यहाँ पे राइट करने का तरीका देख लेना। हमारे पास जो फर्नीचर था, ध्यान देना फर्नीचर की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 80,000, दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ राइट करना पड़ेगा हमें 80,000 में से हमने कितना 6,000 सेल आउट कर दिया है, क्लियर। और इसका लगाएंगे 20%, 80,000 का जो 6,000 हमने लेस किया उसका 20% लगा दिया जाएगा, तो ये हमारे पास फर्नीचर का डेप्रेशन आ जाएगा, करके देखो आप, ये आएगा 14,800। ध्यान से देना, जो 74,000 आएगा उसका 20% निकालो, 40,800 आ गया, 14,800। आगे बात करते हैं, हम दूसरा था डेप्रेशन किस पे था, डेप्रेशन ऑन मशीन। तो अगला लेते हैं हम टू डेप्रेशन ऑन मशीनरी। तो देखो आप ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका मशीन का, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लियर। उसके बाद में आप यहाँ देखो मशीन या तो परचेज होगी या सेल होगी, तो या तो ना तो परचेज साइड दे रखा है ना सेल साइड यानी रिसिप्ट साइड नहीं दे रखा है, तो मशीन की जो प्राइस थी हमारे पास 60,000, 60,000 पे 20% यहाँ चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60,000 का 20% यानी 12,000, दैट्स क्लियर। तो ये पॉइंट भी चार्ज हो गया। अब साथ के साथ ध्यान देना इन पॉइंटों को, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वही क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस होके डिप्रेशन निकल जाएंगे। फिर है ऑन 31 मार्च 2017 इंटरटेनमेंट मटेरियल की वैल्यू बता रहा है 28,000, तो इंटरटेन मटेरियल देखो कितना हमारे पास, ये आ रहा है 65,000। तो इसको पेमेंट साइड है, तो यहाँ पे एक्सपेंस में डालते हैं टू इंटरटेनमेंट मटेरियल, इंटरटेनमेंट मटेरियल, क्लियर। इंटरटेनमेंट मटेरियल की जब वैल्यू करते हैं हम, तो ध्यान देना यहाँ पे आएगा आपके परचेज, ठीक है, एड ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस, क्लियर, समझने की कोशिश करना, ओपनिंग बैलेंस लेस क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान देना इंटरटेनमेंट मटेरियल परचेज किया हमने, इंटरटेनमेंट मटेरियल हमारे पास परचेज है 65,000, क्लियर 65,000, तो यहाँ किया 65,000 परचेज में, दैट्स क्लियर। ओपनिंग बैलेंस ध्यान देना, इंटरटेनमेंट मटेरियल का जो ओपनिंग जो बैलेंस है आपके पास, जो दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, सब्सक्रिप्शन है, क्लियर, यहाँ है क्रेडिटर फॉर इंटरटेनमेंट मटेरियल दे रखा है, यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस है नहीं, क्लियर, बट यहाँ पे सूचना दे रखी है, ध्यान देना सूचना दे रखी है हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट में देखना, पेमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट मटेरियल 2,000, ओपनिंग बैलेंस था ये, प्रीवियस ईयर का था, यानी प्रीवियस ईयर का था, ओपनिंग बैलेंस ना बोल के प्रीवियस ईयर का देखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस होगा प्रीवियस ईयर का। और साथ ही साथ ये इंटरटेनमेंट मटेरियल का कौन सा बैलेंस बता रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट पे है, तो ये बैलेंस बता रहा है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है, तो ध्यान से देख लो और समझने की कोशिश करो कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस लेस कितना हो जाएगा 28,000, और लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग,
2000, क्लियर। तो यानी 30,000 को 65,000 में से माइनस कर दिया जाएगा तो यह आएगा 35,000, क्लियर। तो यहाँ पे एक्सपेंस आ गया हमारे पास 35,000। अब आगे बात करते हैं हम इंटरेस्ट है जो इंटरनेट चार्ज से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है 1500, जो इंटरनेट चार्ज है 1500, ये 1500 आउटस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट में मेंशन किया जाएगा, इसको राइट किया जाएगा टू इंटरनेट चार्ज, टू इंटरनेट चार्ज 1500, क्लियर। और ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 1500 भी ऐड कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 3000, क्लियर। आगे बात करते हैं हम, आगे की चलते हैं। ईच ईयर सब्सक्रिप्शन इज पेड 100 मेंबर, ठीक है, 100 मेंबर ईच ईयर सब्सक्रिप्शन पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट की जो प्राइस होगी वो है 2400। तो ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे इनकम साइड राइट करेंगे कि हमारा सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। तो भाई सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट यहीं कर देते हैं, रिसीव्ड, ठीक है। एक और होगा प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर एक लेस होगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एक होगा एड एडवांस करंट ईयर, एक होगा लेस एडवांस नेक्स्ट ईयर। ये पॉइंट मैंने यहाँ वर्किंग नोट के डाल दिए हैं, राइट कर दिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा। तो सब्सक्रिप्शन देखो, इनकम साइड टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, 230,000। तो यहाँ है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हमें 230,000, क्लियर, 230,000 हमें रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखें कितना है, उससे पहले आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का देख लो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दिखा रखा है हमारे पास यहाँ पे 17,000, क्लियर, 17,000 दिखा रखा है। बट यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 100 को 2400 से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो आएगा हमारे पास 240,000, कंप्लीट 240,000। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान देना, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है टोटल एड और लेस होगा, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 10,000। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, हमारा आउटस्टैंडिंग जो बचेगा वो कितना आ रहा है, 10,000 है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन था हमारे पास, ध्यान देना ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग डेट को दे रखा था, ओपनिंग डेट को एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो ये है हमारे करंट ईयर से रिलेटेड। तो करंट ईयर से रिलेटेड ओपनिंग डेट का था जो एडवांस करंट ईयर का 2000, क्लियर, 2000 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना बच गया हमारे पास, 8000, क्योंकि 10,000 ही था हमारे पास, तो प्रीवियस ईयर का है नहीं और नेक्स्ट ईयर का भी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 240,000। तो ये पॉइंट भी क्लियर। आगे बात करते हैं हम पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट मटेरियल 2000, लगभग इसको भी क्लियर कर दिया। अब रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट में जाते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट वाली सारी चीज़ें हम राइट करते हैं। ध्यान देना, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस में चला गया, क्लियर, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। इसके साथ साथ चलते हैं हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी कर लिया, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस है, क्लोजिंग डेट को जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ध्यान से देखना, समझने कुछ ना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्लियर। इसके साथ इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी यहाँ पे लेगेसीज भी कैपिटल फंड में ऐड होगी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमने कर ही लिया, गवर्नमेंट ग्रांट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें ऐड हो जाएगी, लेट्स क्लियर। तो क्लोजिंग कैपिटल में हमने जो कैपिटल फंड किया था, जो हमारे पास सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगी, सरप्लस आएगा तो ऐड कर दिया जाएगा, डिफिसिट आएगी तो लेस कर दिया जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है
ध्यान से देखना, इधर एक्सपेंस सैलरी एंड वेजेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आइटम नहीं था, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सैलरी एंड वेजेज आ रहा 1,40,000, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं था तो सैलरी एंड वेजेज को पूरा पूरा हमने राइट कर दिया यहाँ पे एक्सपेंस साइड में, टू सैलरी एंड वेजेज, टू सैलरी एंड वेजेज 1,40,000, क्लियर। उसके बाद में ध्यान देना 10% इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने, इंटरेस्ट जरूर आएगा यहाँ पे, इनकम साइड आएगा, तो इनकम साइड हम राइट करते हैं यहाँ पे, देखना ये आ रहा है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग डेट पे इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास, यहाँ पे था ओपनिंग डेट में जो इन्वेस्टमेंट था, ध्यान से देखना 1,20,000 का था, बट फेस वैल्यू कितनी थी 1,70,000, और इस पर भी कितना 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो 1,70,000 पे जब 10% चार्ज किया तो ये आ गया हमारे पास 17,000, क्लियर। 10% देखना 17,000। अब बात करते हैं हमारे पास जो हमने और परचेज किया था, जो इन्वेस्टमेंट परचेज है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ये 1,13,000, बट इस पर इंटरेस्ट 10%, फेस वैल्यू पे चार्ज होगा 1,50,000, तो ये चार्ज लगाएंगे 1,50,000 पे 10% मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास अक्टूबर में परचेज किया था, क्लियर। अक्टूबर में किया था तो ध्यान देना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो कितने महीने हो गए, 6th मंथ हो गए हमारे पास, 6th मंथ हो गए, तो 6th मंथ का यहाँ पे डेप्रेशन चार्ज किया जाएगा 6/12, तो ध्यान से देखना 6% 1,50,000 का 6% आप डेप्रेशन चार्ज करो तो हमारे पास जो डेप्रेशन की जो प्राइस आएगी, ध्यान से देखना, वो डेप्रेशन की प्राइस आएगी 7,500, क्लियर। अब टोटल इंटरेस्ट आ गया, इसको ऐड कर दिया जाएगा 24,500, ध्यान से देखो समझने की कोशिश करो, इंटरेस्ट आ गया 24,500, क्लियर। आगे चलते हैं हम, ध्यान देना आगे क्या क्या पॉइंट दे रखा है, फेट एक्सपेंस को ऐसे कैसे राइट कर दो 7,000, फेट एक्सपेंस है हमारे पास 7,000, तो इसको एक्सपेंडिचर में राइट कर देते हैं टू फेट एक्सपेंस, क्लियर। और फेट एक्सपेंस जो जितना भी फेट एक्सपेंस था उसको हम राइट कर देते हैं, फेट एक्सपेंस था हमारे पास 7,000, फेट एक्सपेंस को राइट कर दिया हमने 7,000, क्लियर। उसके बाद में ध्यान देना अपकीप ऑफ ग्राउंड, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको भी राइट कर देंगे 8,000 को, यहाँ पे 8,000 राइट कर दिया जाएगा और मेंशन कर दिया जाएगा टू अपकीप, अपकीप ऑफ ग्राउंड, क्लियर। अब इसके बाद देखो क्या है, इंटरटेनमेंट मटेरियल कर ही दिया था हमने, एडवांस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, इंटरनेट चार्ज का हो गया, होनोरेरियम 2,000, तो यहाँ पे डेबिट में कर देंगे अपन 2,000 टू होनोरेरियम, क्लियर। आगे बात करते हैं बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, क्लियर। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर देंगे, दैट्स क्लियर। अब आप एक बार इसको रफली देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में किस किस आइटम को राइट किया है और क्रेडिट में हमने किस किस आइटम को राइट किया। ध्यान देना डेप्रेशन को राइट कर लिया हमने, क्लियर। डेप्रेशन को राइट कर लिया, दो है डेप्रेशन, डेप्रेशन ऑन फर्नीचर और डेप्रेशन ऑन जो दे रखा है हमारे पास है बिल्डिंग, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, इस क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम कि हमने क्या क्या किस किस को मेंशन किया है, तो ये पॉइंट देखते जाओ, समझने की कोशिश करते जाओ कि कोई पॉइंट हमारा यहाँ से मिसिंग नहीं हो जाए, तो एडजस्टमेंट को और उनको देखते हुए करो कि कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिसिंग। ध्यान देना ये डेप्रेशन का था, ये भी किसका था, डेप्रेशन का था, और उसके साथ साथ हमारे पास इंटरटेनमेंट मटेरियल का, इस प्रकार से हमारे पास कितना आया 35 आया, उस प्रकार से हमारे पास इंटरनेट चार्ज कितना है हमारे पास 3,000 आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया सैलरी और वेजेस थी 1,40,000, ये भी आ गया,
फेट एक्सपेंस अपकीप और होनेरियम ये आ गया। क्लियर। अब इस प्रकार से देखा तो देखने से हमें पता चल रहा है, इमेजिंग किया, इमेज क्या है, देखना ही देखने से लग रहा है कि हमारे पास जो इनकम है मोर देन प्राइस ऑफ एक्सपेंस। क्लियर। इनकम हमारे पास ज़्यादा हो रही है क्योंकि 2,40,000 तो एक ही हो रहा है और 24,500 एक हो रहा है। जब इसको ऐड किया जाएगा, ध्यान देना, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 2,64,500। यहाँ पे ऐड करने पे आया 2,64,500 और यहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा टू सरप्लस बीएफ और इसको कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में लेस करो तो ये आएगा 24,700। क्लियर। 24,700 ये तो हमारे पास अब इनकम एक्सपेंडिचर भी हमने क्लियर कर लिया है। अब बनाते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस जो इसको देखते हुए हमारे पास प्रिपेयर की जाएगी। ध्यान देना, कैपिटल फंड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड किसको किया जाएगा, यह आया था अभी सरप्लस 42,700 सरप्लस 42,700। क्लियर। सरप्लस को ऐड कर लिया। अब सरप्लस के बाद देखना किस किस को ऐड किया जाएगा, हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है जिसको ऐड किया जाएगा और क्या क्या है जिसको ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर। एक तो देखो इसमें दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्लियर, इसको भी ऐड किया जाएगा, लेगेसी इसको भी ऐड किया जाएगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट से हेल्प मिली है। तो ध्यान देना, हम करेंगे डोनेशन ऑफ बिल्डिंग 45,000 प्लस डोनेशन ऑफ बिल्डिंग 45,000, फिर ऐड हो जाएगी लेगेसीज कितनी है 5,000 लेगेसीज 5,000। क्लियर। उसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऐड गवर्नमेंट ग्रांट, ये हमारे पास से कितना 80,000। क्लियर। देखो कि हमने किस किस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है, सरप्लस को ऐड कर दिया, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग को ऐड कर दिया, लेगेसीज को ऐड कर दिया और गवर्नमेंट ग्रांट को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लियर। तो अब इसका टोटल करके देखो आप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 4,25,700 4,25,700। क्लियर। अब ध्यान देना, इसके बाद हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैपिटल फंड को ले लेते हैं और कैपिटल फंड से जो रिलेटेड थे ना उसको भी हम यहाँ राइट कर देंगे। तो यह आया कैपिटल फंड, क्या ये कैपिटल फंड तो कर ही दिया ना हमने, बिल्डिंग फंड है 50,000 तो यह आ जाएगा हमारे पास बिल्डिंग फंड है हमारे पास 50,000। क्लियर। अब बिल्डिंग फंड में हमारे पास जो रिसिप्ट हुआ था उसको ऐड कर देंगे, जो एक्सपेंस हुआ था उसको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, बिल्डिंग से रिलेटेड हमने एडवांस दिया था 16,000 बिल्डिंग से कितना दिया था हमने 16,000, इसको माइनस कर दिया जाएगा तो ये लेस हो जाएगा एडवांस हो गया हमारे पास कितना 16,000। क्लियर। और ये बच गया हमारे पास 34,000, ये बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं हम आगे की, जो हमारे पास बताया था मैंने आपका, एक तो ये था सब करप्शन एडवांस था 2,500, ये भी लाइबिलिटी में आ जाएगा तो ये आ जाएगा एडवांस सब करप्शन 2,500। क्लियर। अब इसके बाद लगभग यहाँ के सारे पॉइंट हो गए, असेट्स में भी देख लेंगे। एक सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना असेट्स कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे, स्टार्टिंग से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो हम यहाँ राइट करते हैं असेट्स में ही राइट किया जाएगा। यहाँ पे देखना 10% इन्वेस्टमेंट। क्लियर। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, 2,00,000 1,25,000
1,20,000, तो ये आ गया 1,20,000, क्लियर। और हमने परचेज कितना कर लिया यहाँ पे 1,13,000, 1,13,000, क्लियर। अब सेट का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है सेट, 2,33,000, 2,33,000, क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे पेमेंट साइड, देख लो क्या क्या दे रखा हमारे पास, हो गया फेट एक्सपेंस, अपकीप ग्राउंड, मटेरियल, एडवांस बिल्डिंग, इंटरनेट, होनेरियम, बैलेंस सी डी, ये राइट की जाएगी 44,500 असेट्स में। तो असेट्स में राइट कर देंगे कैश 44,500, क्लियर। इसको असेट्स में हमने यहाँ राइट कर दिया है। अब चलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हुए, क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ मैच की जाएगी, एडजस्टमेंट को दो जगह राइट किया जाएगा, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट कर दिया, फर्नीचर की बात करते हैं, तो यहाँ राइट करो आप फर्नीचर, फर्नीचर 80,000, क्लियर। ध्यान से देखना समझना, सेल ऑफ फर्नीचर कितना 6,000, तो यहाँ लेस किया जाएगा सेल 6,000, क्लियर। उसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे डेप्रेशन चार्ज किया था, फर्नीचर पे डेप्रेशन चार्ज किया था, और ये रहा डेप्रेशन ऑन फर्नीचर 14,800, तो यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा, लेस डेप्रेशन 14,800, ध्यान से देखो समझो, फर्नीचर में क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या लेस किया है, 6,000 को लेस कर दिया है, 14,800 जो डेप्रेशन था उसको भी लेस कर दिया है। अब ये आ गया हमारे पास एड लेस करने पे 59,200, क्लियर। फर्नीचर का भी कर लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का करते हैं, 13,000 दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ध्यान देना, कोई एडजस्टमेंट है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी हो जाएगा, बट यहाँ देखते हैं हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा ही राइट कर दिया जाएगा 13,000, ना तो सेल है ना ही परचेज है, इनकम और एक्सपेंडिचर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। फिर बात करते हैं हम मशीन की, ध्यान देना मशीन को भी असेट्स में राइट करते हैं, मशीनरी हमारे पास कितनी थी, हमारे पास यहाँ पे मशीन है 60,000, मशीन हमारे पास यहाँ पे 60,000, क्लियर। अब मशीन को देखो एडलेस होने वाला कोई परचेज मशीन नहीं है या सेल ऑफ मशीन नहीं है, बट यहाँ पे मशीन पे डेप्रेशन था और मशीन पे डेप्रेशन देखो ये दे रखा, मशीन पे डेप्रेशन कितना 12,000, मशीन पे डेप्रेशन है यहाँ पे, तो लेस डेप्रेशन हो जाएगा 12,000, क्लियर। अब इसको एडलेस करो तो 48,000 हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा, 48,000, क्लियर, ये भी हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग सबक्रप्शन, करंट ईयर से रिलेटेड कितना था, तो ये हो गया यहाँ पे असेट्स में आएगा आउटस्टैंडिंग सबक्रप्शन, क्लियर। ध्यान देना आउटस्टैंडिंग सबक्रप्शन, देखना करंट ईयर से तो रिलेटेड कितना था 8,000, बात समझने की कोशिश करना क्या क्या है, दोनों आएंगे यहाँ पे सबक्रप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये आ गया करंट ईयर में तो कितना है 8,000। अब यहाँ पे देखना आप जो सबक्रप्शन था, समझने की कोशिश करना इस लाइन को, सबक्रप्शन कितना है 17,000, यानी ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग कितना था एक्चुअल में 17,000, बट यहाँ पे रिसिप्ट कितना हो गया यहाँ पे 8,500, तो 17,000 में से 8,500 हमें रिसिप्ट हो गया, तो कितना एरर आ अब यही एरर रह गया लास्ट ईयर यानी प्रवेश ईयर का, रह गया हमारे पास 8,500, क्लियर। दोनों आएंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर फॉर लास्ट ईयर या प्रवेश ईयर, तो ये आ गया 16,500, क्लियर। ये पॉइंट भी हो गया, असेट्स के हो गए, कैश भी हो गया, मैंने कैश भी मेंशन कर दिया। लायबिलिटी में चलते हैं, ध्यान देना लायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिटर फॉर टूर्नामेंट, तो इसको राइट करते हैं हम यहाँ पे क्रेडिटर फॉर टूर्नामेंट,
क्रेडिटर, ध्यान देना क्रेडिटर कितना है 5000 का, क्रेडिटर 5000 का है। बट आपको रिमाइंड करवा दूं मैं आपको, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट मटेरियल इंक्लूडिंग 2000, यानी 5000 में 2000 इंक्लूड था तो इसको लेस किया जाएगा, यहाँ पे 5000 में 2000 लेस कर दिया जाएगा तो ये आ गया 3000 हमारे पास क्रेडिटर के बच जाएंगे। आप हर एडजस्टमेंट को माइंड में करोगे क्लियर, तब जाके सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। एडवांस सबक्रप्शन हमने कर लिया, एडवांस सबक्रप्शन क्लियर, बिल्डिंग फंड को भी हो गया, कैपिटल फंड भी हो गया है, और इधर से देख लेते हैं कोई अदर ट्रांजेक्शन या कोई और भी नहीं बच गया, तो आप इसको एक बार क्लियर करो, फाइंड आउट करो कि क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं किया हमने, क्लियर समझने की कोशिश करना, और पूरा देखो इसको कौन कौन से पॉइंट रहे, कौन कौन से पॉइंट नहीं रहे, कहीं असेट्स का पॉइंट नहीं रह जाए कोई, या लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं रह जाए कहीं, क्लियर रिमाइंड किया आप लोगों ने कि कौन सा पॉइंट छूट न जाए या मिसिंग न हो जाए। अब ध्यान देना, अब एडजस्टमेंट को एक बार देख लेते हैं, ध्यान देना समझने की कोशिश करना। एडजस्टमेंट का एक टू जगह टू पैलेस पर राइट होता है, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट था हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, मशीन हो गया, सबक्रप्शन एरर हो गया, क्रेडिटर का हो गया, और एडवांस सबक्रप्शन का हो गया, और बिल्डिंग फंड का भी टू पैलेस पर कर दिया हमने, क्लियर। चार डिप्रेशन भी दो साइड हो गए, एक्सपेंस में भी हो गया और असेट्स में भी माइनस हो गया। इंटरटेन मटेरियल देखो कहा था ना मिसिंग हो गया ना, ये 28000 ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको असेट्स में राइट किया जाएगा, इसको असेट्स में राइट किया जाएगा, स्टॉक ऑफ इंटरटेनमेंट मटेरियल 28000, क्लियर। आगे करते हैं हम इंटरनेट चार्ज, देखो ये भी मिसिंग हो गया, इंटरनेट चार्ज वाज आउटस्टैंडिंग, एरर है बाकी है, और एक्सपेंस है तो यहाँ लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में मेंशन किया जाएगा ओएस इंटरनेट चार्ज, इंटरनेट 1500, क्लियर। उसके बाद में है सबक्रप्शन, दोनों साइड राइट हो गए, ये भी सबक्रप्शन हो गया राइट, और पेमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट मटेरियल का इंक्लूड था 2000, इसको भी दो जगह हमने राइट कर दिया। अब आप इसका टोटल करो, और दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, लायबिलिटी का टोटल करें और असेट्स का टोटल करें, अगर एक भी डिजिट का डिफरेंट आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे डिजिट राइट करने में मिसिंग हो गई है, या कोई ट्रांजेक्शन राइट करने में मिसिंग हो गया है, तो इसका बस असेट्स का लायबिलिटी का जब टोटल किया है तो टोटल आ रहा है हमारे पास 466700, 466700, क्लियर। तो लायबिलिटी का भी ये आएगा 466700, क्लियर। इस प्रकार से ध्यान से देखना, इस प्रकार से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2017 का करंट ईयर का, उसके साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को मेंशन किया है, और साथ ही साथ जो वर्किंग नोट था हमने अकाउंट में ही फिल किया है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।